Hello dear students. In our previous lecture we have seen the meaning of monopoly, the features of monopoly and the reasons why monopoly exists. Now, in today's lecture, we will see the equilibrium of firm and how price and output is determined under a monopoly market. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म आई वो ऑलरेडी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन आर प्रीवियस लेक्चर ऑफ परफे कॉम्पिटेशन यानी फॉर्म के इक्विलिब्रियम का मतलब है सिचुएशन वेयर अ फॉर्म गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट यानी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे फॉर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलते हैं यानी उस सिचुएशन एक या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म में हम फॉर्म का वो आउटपुट लेवल ढूंढने का प्रयास करते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि इस इतना आउटपुट तो फर्म को बनाना ही चाहिए ना इससे ज़्यादा ना ही इससे कम ज़्यादा वो बना नहीं सकते क्योंकि उसके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और कम बनाने में उसको लॉस हो सकता है तो हम एक ऐसा आउटपुट लेवल ढूंढेंगे जहाँ पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेंगे एंड दैट पॉइंट ऑफ आउटपुट लेवल विल नोन एज इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म आई रिपीट द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म मीन्स अ सिचुएशन और और एन आउटपुट लेवल वेयर अ फॉर्म गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट जहाँ से फॉर्म एक बैलेंस के कंडीशन में है ना ही उससे पीछे जाना चाहेगी ना ही उसे अबव सो देर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्वलिबियम ऑफ फर्म यानी कि फर्म को इक्वलिबियम तब मिलेगा वेयर दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड वन इज वेयर एम आर इज इक्वज टू एन सी विच मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वज टू मार्जिनल कॉस्ट यानी मोनोपली फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो एंड मार्जिनल कॉस्ट कट्स दी एम आर फ्रॉम बिलो यानी मार्जिनल कॉस्ट करव मार्जिनल रेवेन्यू करव को नीचे से काटता वो ऊपर की उड़ जाए सो लेटेस्ट एक्सप्लेन दिस विथ अ डाइग्राम ताकि हमें और भी अच्छे से ये क्लियर हो कि ये इक्वलिप्रियम कैसे मिलेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस आई एम टेकिंग आउटपुट

एवरेज रेवेन्यू कर्व है दोनों साथ साथ चलते हैं हम रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो और मोनोपोली की जब भी बात करें मोनोपोली मार्केट के अंदर जो रेवेन्यू कर्व है वो कुछ वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं और इलास्टिक शेप में होते हैं जो हमारा डिमांड कर्व है वो इलास्टिक होता है उसका रीज़न ये है क्योंकि मोनोपोली के अंदर एक ही फर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है तो वो जनरली हाई प्राइसेस रखती है और उसको पता है कि मैं प्राइसेस में जितना मर्जी चेंज कर दूं मेरी डिमांड पे मेरे प्रोडक्ट की डिमांड पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यानी जब वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा एक मोनोपोलिस्ट तब जाके उसकी डिमांड थोड़ी सी कम होएगी क्योंकि कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है क्योंकि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन नहीं है और अगर वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम करेगा तब जाके उसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी उसका भी रीज़न यही है क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन तो पहले भी नहीं था तो तुमने प्राइस कम भी कर दी तब भी लोग उतना ही परचेज करेंगे और आपसे ही परचेज़ करेंगे तो आपके प्राइस कम करने का भी डिमांड पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सो so, द uh, कहने का मतलब ये है कि मनोपले के अंदर प्राइसेस में चेंजेस का डिमांड पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता दैट इज़ वाई द एवरेज रेवेन्यू कर और द डिमांड कर बिकॉज आर एवरेज रेवेन्यू कर विज़ द डिमांड कर ये हमें अच्छे से मालूम है यही हमारा डिमांड कर होता है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो इन इलास्टिक होता है एंड वी नो whenever average एवरेज रेवेन्यू mr also decreases but at बट faster rate फास्टर रेट यानी जब भी एवरेज रेवेन्यू गिरेगा मार्जिनल रेवेन्यू उसके नीचे रहेगा वो फास्ट ही गिरता है हमेशा एवरेज से और फास्ट ही बढ़ता है सो so, हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू कुछ इस तरह से होगा मोनोपोली मार्केट के अंदर अब हमें बात करनी है अगेन इक्वलिब्रियम की वी हैव द मार्जिनल रेवेन्यू कर नाउ वी नीड टू हैव अ मार्जिनल कॉस्ट कर तो हम नो ये कॉस्ट कर्व है हमारा मार्जिनल कॉस्ट यू शेप का होता है अब इक्वलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी जहाँ पे भी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल तो दैट्स अ पॉइंट ऑफ इक्वलिब्रियम वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी यानी जो मोनोपोली फर्म है वो ओ क्यू आउटपुट प्रोड्यूस करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करेगी सो so ये बात हो गई इक्वलिब्रियम ऑफ फर्म की अब अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं यानी वो प्राइस कितना डिसाइड करेगी तो हम एवरेज रेवेन्यू क्या होती है हमारी प्राइस होती है तो एवरेज रेवेन्यू के ऊपर जिस जहाँ पे भी उसने ये टच किया उतनी प्राइस वो डिसाइड करेगा एक मोनोपोली मोनोपोलिस्ट तो ओ पी प्राइस पे मोनो मोनोपोलिस्ट विल सेल ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट तो ये तो बात हो गई इक्वलिब्रियम ऑफ फर्म की यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम और प्रैक्टिस दिस डायग्राम और यू कैन टेक दिस स्क्रीन शॉट अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस इक्वलिब्रिम को हटाते हैं इन कंडीशंस को भी प्राइस एंड आउटपुट Determination in short run. So, our next topic is price and output determination in short run in monopoly market. अब मोनोपोली के अंदर शॉर्ट रन के अंदर प्राइस और आउटपुट किस तरह से डिटरमिन होता है शॉर्ट रन में क्या कंडीशंस होती है क्या फर्म को प्रॉफिट मिलता है लॉस होता है वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स अब शॉर्ट रन इज अ मार्केट शॉर्ट रन इज अ कंडीशन और अ टाइम पीरियड वेयर देर वेयर सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम आर वेरिएबल यानी एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है फिक्स होते हैं कुछ वेरिएबल होते हैं सो so, uh, uh, प्रोड्यूसर कैन नॉट चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन दिस शॉर्ट रन एंड दैट इज़ वाई ही कैन नॉट एडजस्ट इट्स सप्लाई अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर वो सारे फैक्टर्स को तो चेंज कर नहीं सकता अब रातों रात अगर उसके प्रोडक्ट uh, की डिमांड बढ़ भी जाती है तो वो हाथों हाथ तो सप्लाई बढ़ा नहीं सकता है क्योंकि मान लेते हैं कि वो वर्कर्स ज़्यादा लगा लेगा वो रॉ मटेरियल भी ज़्यादा लगा के सप्लाई को एक लिमिट तक बढ़ा सकता है पर रातों रात मशीन को चेंज करना एक नई लैंड लेने लेना वो भी पॉसिबल नहीं है यानी शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं जैसे हमारा कैपिटल है जैसे हमारी लैंड है वो फिक्स है वी कैन नॉट चेंज लैंड एंड कैपिटल बट वी कैन चेंज द लेबर तो लेबर इज़ द वेरिएबल फैक्टर तो प्रोड्यूसर uh, सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकता इस वजह से शॉर्ट रन में एक मोनोपोली मोनोपोलीफर्म को प्रॉफिट भी मिल सकते हैं अगर उसकी किस्मत बहुत अच्छी है तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है विच मीन ज़ीरो प्रॉफिट नो प्रॉफ़िट नो लॉस भी की कंडीशन भी वो फेस कर सकता है और ही कैन फेस द सिचुएशन ऑफ लॉस ऑल्सो उसको लॉस भी हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है शॉर्ट रन में क्योंकि फिक्स कॉस्ट कवर होते होते तो बहुत टाइम लगता है तो उसको लॉस भी हो सकते हैं तो यानी शॉर्ट रन के अंदर एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस तीनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को फेस करना पड़ सकता है सो इन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब मिलेंगे वो हम देखते हैं अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब मिलता है हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लेक्चर में इसको ऑलरेडी देख चुके हैं क्योंकि प्रॉफिट और लॉस को डिटरमिन करने के लिए हम हमेशा एवरेज को कंसिडर करेंगे तो द एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट जब भी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि फॉर्म इज इन्जॉइंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या हो गया प्राइसेस जब भी प्राइसेस यानी किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस एवरेज का मतलब एक की बात हो रही है एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो उस पर्टिकुलर ए के प्रोडक्ट की कॉस्ट से अगर ज़्यादा है तो फर्म को क्या मिल रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ऑब्वियसली प्रॉफिट मिल रहा है अगर ये प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है बनने में टेन रुपीज़ आ रही है एंड उसकी एम आर पी या इसकी प्राइस मैंने ट्वेंटी रुपीज़ रखी है तो टेन रुपीज़ का फर्म को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है अब इसको हम डायग्राम के थ्रू अगर एक्सप्लेन करते हैं तो ये जो इक्विलिब्रियम का डायग्राम मैंने पहले बनाया था आपको इतना तो बनाना ही है सबसे पहले तो आप एवरेज रेवेन्यू कर ड्रॉ करोगे मार्जिनल रेवेन्यू ड्रा करोगे इन इलास्टिक स्लोप इनका रहेगा देन देर इज़ वन मार्जिनल कॉस्ट कर फिर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट करोगे आप इक्विलिब्रियम ओ क्यू इज़ द इक्विलिब्रियम आउटपुट ओ पी इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कर्व है वी हैव ए आर नाउ वी हैव टू लुक एट दी एवरेज कॉस्ट कर्व अब हमको एवरेज कॉस्ट कर्व चाहिए तो हम एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ कर देते हैं अब आप देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व को आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे हमने कॉस्ट uh, के चैप्टर में हम देखते हैं कि ए सी और एम सी के बीच में ऐसा ही रिलेशन रहता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज कॉस्ट कर्व के उसके बीच के uh, उसके मिनिमम पॉइंट से काटता है ऊपर की ओर जाता है तो ये रिलेशन मैंने यहाँ पे भी शो किया है ए सी और एम सी के बीच में दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस कलर पेंस ये पिंक जो लाइन है वो एवरेज कॉस्ट की है जो ग्रीन लाइन है वो मार्जिनल कॉस्ट है आपको क्योंकि हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शो करना है तो इसके लिए हम डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू हम जानते हैं वो ओ पी यानी वो प्राइस होता है हमारा रेवेन्यू हमको कितना मिल रहा है इस पर भी एक पॉइंट प्लॉट कर देते हैं अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो चाहे हम ओ पी माने एवरेज रेवेन्यू प्राइस को या के क्यू माने बातें की है, इतना मेरे को एक प्रोडक्ट को बेचने से रेवेन्यू मिल रहा है क्योंकि प्राइस उसकी इतनी है एवरेज रेवेन्यू पे इसने यहाँ पे टच किया है तो के क्यू मेरे प्रोडक्ट की प्राइस है तो जो कॉस्ट है वो उसको डायग्राम में हमें कम दिखाना है ताकि हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शो कर सकें तो मैंने कॉस्ट का डायग्राम इस पॉइंट से हम नीचे ले लेके बनाया तो ये मैंने बनाया एवरेज कॉस्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं मैंने एक पॉइंट यहाँ पुट किया इसको मैंने नाम दिया टी पॉइंट अब ये टी पॉइंट को मैं यहाँ मिला देती हूँ इसको मैं नाम दे देती हूँ सी अब आप इसको छोड़िए अगर हम सिर्फ सिंगल इसी लाइन को देखते हैं के मेरा क्या है पर यूनिट रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू है टी क्यू मेरा आ, पर यूनिट कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट है क्योंकि कॉस्ट कॉस्ट की जो लाइन है वो यहाँ पे टच हो रही है इसको हमें सारा क्यों आउटपुट लेवल से ही देखना होगा हम मेजर कैसे करते हैं कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पॉइंट लगा देते हैं या यहाँ लगा देते हैं हमें ऐसे ही चलते फिरते पॉइंट्स नहीं लगाने हैं आपको ये आउटपुट लेवल पकड़ के रखना है यानी ये लाइन जहाँ पे भी जिस जिस कर्व को टच करती जा रही है वो वो मेजरमेंट हम लेंगे यानी अगर ये लाइन मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ पर टच कर रही है तो हमारा इतना मार्जिनल रेवेन्यू है फिर इस लाइन ने एवरेज रेवेन्यू को यहाँ टच किया तो इस आउटपुट पे मुझे एवरेज रेवेन्यू इतना मिल रहा है इसने कॉस्ट को यहाँ टच किया तो इस इस, इस लाइन पे कॉस्ट मेरे को मेरी मेरे को इतनी पड़ रही है इस तरह से तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम का एनालिसिस करके दिखाती हूँ जो आपको एग्जाम में भी ऐसा ही बनाना है हमें लिखना है पर यूनिट रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू कितना है के क्यू फिर हम देखते हैं पर यूनिट कॉस्ट को वो कितनी पड़ रही है हमें टी क्यू आप देख सकते हैं पर, पर यूनिट रेवेन्यू के क्यू पर यूनिट कॉस्ट इज टी क्यू तो हम कहेंगे हमें पर यूनिट प्रॉफिट कितना मिल रहा है तो प्रॉफिट हमें पता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट विच मीन्स के क्यू माइनस टी क्यू तो हम क्यू से क्यू कैंसिल कर देते के टी जो है वो मेरा यानी इतना मुझे क्या हो रहा है एक यूनिट को बेचने से प्रॉफिट मिल रहा है इसी तरह से इफ आई टॉक अबाउट टोटल रेवेन्यू तो हम टोटल को भी ले लेते हैं टोटल कब निकलता है जब हम क्वांटिटी से किसी चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू अब आप यहां देखिए ओ पी के क्यू ओ पी के क्यू मेरा क्या है टोटल रेवेन्यू है ओ पी के क्यू देन टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं इसको अगेन इस लाइन को हमने यहां मिलाया इसीलिए था ओ सी टी क्यू यानी जब आउटपुट से मल्टीप्लाई किया ये सारा एरिया मेरा कॉस्ट है और ये सारा एरिया प्रॉफिट सॉरी रेवेन्यू है ओ सी टी क्यू तो जो बचा हुआ एरिया है वो क्या हो जाएगा टोटल प्रॉफिट यानी ओ पी के क्यू माइनस ओ सी टी क्यू ओ से वो कैंसिल कर देते हैं क्यू से क्यू कैंसिल पी के सी टी सी यही आ रहा है पी के सी टी ये एरिया हमारा बच रहा है पी के सी टी ये क्या है हमारा टोटल प्रॉफिट है सो so, ये तो बात हो गई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की यहां पे हम इसको इस तरह से शेड दे देते हैं ताकि हमें पता रहे ये जो शेडेड एरिया है ये किसको डिनोट कर रहा है प्रॉफिट को या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को So, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात हुई अब हम सेकंड डायग्राम देखेंगे इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एनालिसिस का इस डायग्राम का सेकंड हम लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट अब इस डायग्राम को मैं पूरा रब कर देती हूँ ये चीजें हमारे काम आएगी नेक्स्ट एनालिसिस में सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस वेयर ए आर इज इक्वल्स टू ए सी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है डायग्राम देखते हैं यानी एक मोनोपोली फॉर्म जितनी प्राइसेस पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी क्या आ रही है उतनी ही आ रही है एक्स एक्सिस पे आउटपुट ले रहे हैं वाई एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू दिस इज एवरेज रेवेन्यू सबसे पहले इक्वलिब्रियम का डायग्राम हमें देखना है मार्जिनल कॉस्ट ये बन गया इक्विलिब्रियम लाइन वेयर एम आर इक्वल्स टू एम सी और ये ओ पी आ गई प्राइस यानी ओ पी प्राइस पे फॉर्म विल सेल ओ लेवल ऑफ आउटपुट अब हम देखते हैं हमें चाहिए एवरेज कॉस्ट कर ए सी अब क्योंकि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होना चाहिए हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा है इसको नाम दे देते हैं के पॉइंट के क्यूँ मेरा एवरेज रेवेन्यू है के केक्यू ही कॉस्ट होनी चाहिए तब जाके हम नॉर्मल प्रॉफिट को शो कर पाएंगे इस डायग्राम में तो इसके लिए मैं एक डायग्राम इस पॉइंट को टच करते हुए एवरेज कॉस्ट कर फॉर्म करूंगी और इसके साथ साथ आपको ए सी और एम सी का रिलेशनशिप भी ध्यान में रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को काटते हुए ऊपर की ओर जा रहा है यस यहाँ पे जा रहा है तो इस तरह से हमने डायग्राम बनाया अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए फर्म को जो पर यूनिट रेवेन्यू है वो कितना मिल रहा है के क्यू के बराबर पर यूनिट रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू कितना है के क्यू एवरेज कॉस्ट फॉर्म की कितनी आ रही है अब इसी पॉइंट पे कॉस्ट है आप देखिए इस आउटपुट लेवल पे एवरेज कॉस्ट कर भी यही है एवरेज रेवेन्यू कर भी यही है यानी इतनी ही फॉर्म को क्या रही आ रही है कॉस्ट आ रही है दैट इज अगेन के क्यू तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है के क्यू माइनस के क्यू इक्वल्स टू जीरो और जीरो क्यों मिला बिकॉज ए आर इज इक्वल्स टू सी ये हो गई बात पर यूनिट की अब हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू कितना है क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस होल एरिया बिकम्स टोटल रेवेन्यू दैट इज ओ पी के क्यू तो टोटल रेवेन्यू हो गया ओ पी के क्यू टोटल कॉस्ट भी अगेन वही है ओ पी के क्यू तो ये बन गया ओ पी के क्यू माइनस ओ पी के क्यू इज इक्वल्स टू जीरो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है जीरो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा फर्म को कोई भी लॉस नहीं हो रहा नेक्स्ट डायग्राम हम देखेंगे थर्ड क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात करें शॉर्ट रन में कुछ भी मिल सकता है एक फर्म को चाहे वो मनोपली हो चाहे हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें या फिर हम मोनोपोलिस्टिक फॉर्म कोई भी तरह की हो शॉर्ट रन में तो तीनों में से कोई भी सिचुएशन मिल सकती है तो फर्म को लॉस भी हो सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं चाहे वो मिनोपली ही क्यों ना हो लॉस कब होगा वेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट यानी रेवेन्यू कम मिल रहे हैं और फर्म की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो ऑब्वियसली फर्म को क्या होंगे लॉस होंगे स्टार्टिंग में तो सभी फर्म के साथ ऐसा ही होता है क्योंकि उनको अपनी प्राइसेस शुरू में कम ही रखनी पड़ती है लेकिन स्टार्टिंग में फिक्स कॉस्ट कवर नहीं होने से उसको लॉस ही हो रहा होता है तो इस अब लॉस के डायग्राम को हम देखते हैं ये है मेरा मार्जिनल रेवेन्यू दिस इज़ एवरेज रेवेन्यू और हमारा यह डिमांड कर्व भी हम कह सकते हैं दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व वेर एम आर इज़ इक्वल्स टू एम सी यहाँ पे फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है इतनी ओपी प्राइस पे ओ क्यू क्वान्टिटी फर्म सेल करेगी इसको के नाम दे देते हैं इस पॉइंट को अब हमें देखना है हमें एवरेज कॉस्ट कर्व बनाना है इधर तो एवरेज कॉस्ट कर्व जो है हमारे रेवेन्यू से क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए यानी ये हमारा अगर रेवेन्यू है तो इससे ऊपर हम एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करेंगे तो हमने कुछ इस तरह से ये बना दिया एवरेज कॉस्ट कर्व अब हम क्या करेंगे कैसे डिटरमिन करेंगे कि इस आउटपुट लेवल पे कॉस्ट कितनी आ रही है तो इसी आउटपुट वाली लाइन को हम ऊपर तक लेके जाएंगे इस तरह से और हमने इसको नाम दिया पॉइंट टी यहां पे अगर मिला लेते हैं तो पॉइंट सी मैंने इसको नाम दिया अब आप देखिए हमारा जो पर यूनिट रेवेन्यू है इन सबको तो मैं हटा देती हूँ एक बार के लिए सो आर पर यूनिट रेवेन्यू हियर इज के क्यू इस बार रेवेन्यू कितना है ये रेवेन्यू की लाइन पे है तो के क्यू अगेन क्योंकि मैंने नाम वही रखे हैं पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है दिस इज टी क्यू नो टी क्यू इज ग्रेटर देन के क्यू तो यहाँ पे अब हम प्रॉफिट ना बोल के पर यूनिट लॉस बोलेंगे दैट इज टी क्यू माइनस रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट तो जो हमारा टी के है वो कितना आ गया वो लॉस हो गया बिकॉज ए आर इज लेस देन ए सी नेक्स्ट टोटल की बात करें टोटल रेवेन्यू इज ओ पी के क्यू टोटल रेवेन्यू इज ओ पी के क्यू टोटल कॉस्ट इज ओ सी टी क्यू ओ सी टी क्यू ओ पी के क्यू माइनस ओ सी टी क्यू पी के सी टी ये ब्रैकेट में लिख देती हूँ या हम लिख सकते हैं टोटल लॉस नेगेटिव में है ये ये भी में, ये भी नेगेटिव नेगेटिव में, में। तो ये जो सी टी पी के जो एरिया है या पी के सी टी जो भी नाम दे हो, ये इतना एरिया किसको डिनोट कर रहा है दिस इज लॉस ये टोटल लॉस है फर्म का टी के पर यूनिट लॉस है और ये जो है वो टोटल लॉस की बात कर रहे तो ये तो यहाँ पे हमने तीनों डायग्राम्स देखे तो शॉर्ट रन में आई रिपीट अ फर्म में फेस एनी ऑफ द सिचुएशन मे बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट और दी लॉस फर्म को लॉस भी हो सकते हैं इवन इफ इट इट्स अ मोनोपली फर्म अब बात करते हैं कि शॉर्ट रन की तो हमने सारी बात कर ली पर लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है अब लॉन्ग रन में क्या होगा क्योंकि एक मोनोपली फर्म है तो ऑब्वियसली हमने फ्यूचर्स में भी देखा था कि एक मोनोपली फर्म लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन्जॉय करती है क्योंकि वो अकेली है इंडस्ट्री के अंदर कोई भी दूसरा जना मार्केट में एंटर नहीं हो रहा तो वो है ही क्यों इस इंडस्ट्री में क्योंकि उसको ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने हैं वो प्राइसेस बहुत हाई रखती है तो लॉन्ग रन में मोनापली फॉर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन्जॉय करती है जिसमें हम हम अगर यहाँ पे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन लॉन्ग रन करके हम लॉन्ग रन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि सारे फैक्टर्स वेरिएबल uh, है फॉर्म कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ वाई मोनापली फॉर्म कैन एडजस्ट इट सप्लाई अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड जितनी जितनी डिमांड आएगी वो उतना उतना सप्लाई भी कर सकती है और प्राइसेज अपनी इच्छा से वो डिटर्मिन करती है हाई प्राइसेज रखती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन्जॉय करती है और वही डायग्राम हमें बना देना है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मनोपली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो